तो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ दिन 2-3 दिन से मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं पोस्ट किया है। तो आज डे 7 है हमारा रमजान का। तो अभी सहरी हो चुका है, तो सहरी में अभी हम लोग मतलब बन रहा है, अभी सेवई बन रहा है अभी। तो मैं दिखाती हूँ सबको, देखिए यहाँ पर नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेवई बन रहा है और यहाँ पर हाथी बना रही है इसको। मैं अभी सहरी में खाऊंगी थोड़ा चावल, और कल रात का थोड़ा सब्जी था भिंडी का वो, और यहाँ पर मैं सेवई खा रही हूँ। तो चलिए सहरी करते हैं। तो हेलो गाइस, मैंने सहरी कर लिया है, सहरी कंप्लीट हो गया है। अब कुछ देर बाद हमारा अजान होगा, उसके बाद मैं नमाज़ पढूंगी और फिर मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है। तो मैं अपना एरिया दिखाती हूँ अब सबको, अब वो दिख नहीं रहा होगा, अभी रात ही इसलिए हमारे नीचे का एरिया। वो मस्जिद है जो भी नया बना है, वो सामने वाला, यहाँ पर अजान और शुरू हो गया, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है। और यहाँ उधर के मस्जिद में शुरू हो गया अजान होना, थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ भी अजान होगी और हर जगह नमाज होगी। तो अजान का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। देखो पता नहीं क्या कर रही है रात को यहाँ पर, शायद अपने घर से बाहर निकले, हवा खाने निकली है, क्या पता क्या करने निकली है। सच में जो सहरी का टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, मतलब अलग ही इसमें वाइब होता है। तो यहाँ हर जगह जान और अजान होना शुरू हो गया है। उस टाइम उधर एक अजान हो रहा था, अभी अब हर जगह अजान हो रहा है यहाँ पर। नमाज पढ़ेंगे और वजू करेंगे, वदू। अल्लाह हो चुका है प्रॉपर सुबह और मेरा कॉलेज टाइम हो गया, तो मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, कॉलेज जाऊँगा। तो अभी मैं चल पड़ी हूँ कॉलेज के लिए, और मेरा बस है 7:40। के कॉलेज जाना धूप में, फिर आना बहुत मुश्किल की बात है। तो चलो चलते आपसे बता, आप लोग रोज़ा कैटा कैसे कट रहा है? आज तो 7वां रोज़ा हो भी गया है, मतलब 7th डे रमजान हो भी चुका है। इतना और सच सुबह सुबह ठंडी है, स्टील फिर भी गर्मी लग रही है, मतलब क्या ही बोले। और तो चलते हैं बस पकड़ने, और करना हो गई है तो वेट कर दी बस, फिर कब तक आता है बस। तो मैंने मेकअप भी किया है मेरा, क्योंकि मैं बड़ा पैडल पता थी, तो मैं एजुकेशन मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, तो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है, मेकअप किया है। चलते हैं कॉलेज, बस बस का ही वेट हो रहा है। टाइम लग के आने में, आज सुबह लेट हो गई थी हमारी, चलो चलते हैं।
तो मेरा कॉलेज सामने आ चुका है, ये मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ का रास्ता तो ख़राब होते ख़राब नहीं, मतलब अच्छा ही था, यहाँ पर थोड़ा बहुत ख़राब हो गया तो रास्ता यहाँ बन रहा है अभी। देखो रास्ते की हालत बहुत बुरी है। देखो रास्ते, सो गाइस ये है मेरा कॉलेज ISH। पानी क्यों गिर रहा है यहाँ पर? स्टूडेंट्स आ चुके हैं, चलते हैं। अरे दादा, गुड मॉर्निंग। धड़ा हो गया মনে পড়েছে। তারা কাকু, হ্যালো কেড়ে ঈশা, হাই কেড়ে। चल बैठते थे मेरे को, कोई नहीं है, वीडियो ऐसे बना रहे हैं। चल रहा है, देखो बात तुम लोग को अभी से शुरू हो गया। क्लास हो चुका है स्टार्ट, सर भी आ चुके हैं और थोड़ी देर में मेरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, आप सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में हम एग्ज़ाम है, लास्ट डेट है, लास्ट टेस्ट है, क्लास टेस्ट देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या करना है, कि क्या होगा आगे, और क्या क्या होता है, सब लोग दिखाऊंगी। मैंने कहा मुझे आज मैं आई डी टी कर दूँगी, तो मैं अपना आई डी कर, उसके बाद घर जाऊँगी और अगर टाइम लगेगा वहाँ से कर लूँगी, उसमें स्टार्ट करेंगे। मैंने ले लिया है अपना आई कार्ड, देख सकते हो आप, और मैं भी जा रही हूँ घर, क्योंकि उधर रह कर अगर बाहर में रह नहीं सकती तो मैं चलते चल बताइए। सो अस्सलाम वालेकुम, तो मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ और नमाज भी पढ़ना हो चुका है। आने के बाद मैं सो गई थी थोड़ा, उसके बाद से उठी अभी, तो नमाज़ पढ़ा मैंने कुछ देर पहले ही, फिर कुरान भी पढ़ा अभी, तो ऑलमोस्ट इफ्तार का वक्त हो चुका है, तो प्रिपरेशन चल रहा है इफ्तार के, कुछ देर हम इफ्तार करेंगे, उसके बाद सुकून मिलेगा। सारा दिन उफ रोज़ा रख के कॉलेज से आना, जो भी हो हम थोड़ा बहुत इफ्तार करेंगे। गाइस हमारा इफ्तार हो चुका है और नमाज वमाज सब पढ़ लिया हमने अभी, अब जाकर थोड़ा मैं रेस्ट कर रही हूँ बैठ के। तो ये व्लॉग यहीं तक था, आप सब बताना कमेंट में आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। हाफिज़, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, बाई।